नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर में जो MCB लगी होती है यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो लगी होती है वो कभी शॉर्ट सर्किट होने पर, ओवर करंट होने पर या कभी किसी के शॉक लगने पर भी आखिर ट्रिप क्यों नहीं होती है। आज की वीडियो में हम उन्हीं सभी कारणों के बारे में जानेंगे कि किन दोष के कारण जो हमारी MCB होती है वो ट्रिप नहीं होती है और इन दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल VRN इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पे। फ्रेंड्स, हमारे घर में MCB जो भी हो उसका कैटेगरी लोड जो भी हो, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, चाहे वो सिंगल पोल हो, डबल पोल हो, ट्रिपल पोल हो या चार पोल हो, जो भी MCB होती है उसके ट्रिप ना होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण ये होता है कि जो हमारी MCB है उसमें जो वायर है वो उसके अकॉर्डिंग ना दिया गया, यानी उसका जितना लोड मेंशन किया गया है उसके हिसाब से उसमें वायर ना लगाया गया। मान लीजिए 32 अगर एम्पियर की MCB है तो उसमें 2.5 mm का वायर होना चाहिए, तो जितना बढ़िया वायर यूज करेंगे कॉपर का वायर वायरिंग यूज करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मोटा वायर यूज करना चाहिए जिससे MCB आसानी से ट्रिप हो। अब आइए बात दूसरे कारण पे आते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपके यहाँ प्रॉपर वोल्टेज नहीं है। फ्रेंड्स, जब आप MCB परचेज करते हैं तो उस पर वोल्टेज कैटेगरी दी हुई होती है 250 वोल्ट, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, लेकिन अगर वोल्टेज काफी कम हो जा रहा है तो भी MCB के ट्रिपिंग में प्रॉब्लम आती है और MCB ट्रिप नहीं होती है। नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है अगर आपने अपने यहाँ जो MCB लगी हुई उसका कनेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ है तो भी ट्रिपिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी जिस तरफ से आपको इनपुट देना है और जिस तरफ से लोड देना है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बड़े जो MCB होते हैं या सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें तो साफ साफ लिखा होता है कि लोड और लाइन, यानी जिस तरफ आपको कनेक्शन इनपुट देना है वो उधर लाइन लिखा होता है और जिस तरफ लोड देना वहां पर लोड लिखा होता है। लेकिन जो छोटे MCB होते हैं उन पर भी आपको देखकर सही से इनपुट और आउटपुट देखकर ही कनेक्शन करना चाहिए। अगर इनपुट आउटपुट सही से नहीं है तो कुछ MCB ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिपिंग में प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम MCB ट्रिप करेंगे, किसी भी तरफ से कनेक्शन करेंगे, लेकिन कुछ MCB ऐसे आते हैं जिनकी ट्रिपिंग में दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ वायर भी सही है, आपने MCB का कनेक्शन भी सही किया है, वोल्टेज भी सही आ रही है और फिर भी आपकी MCB ट्रिप नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स आपकी MCB में ही प्रॉब्लम है, आपको अपना MCB को चेंज कर देना चाहिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी MCB ट्रिप कर रही है कि नहीं कर रही है तो आप अपने हाथ में फेफ और न्यूट्रल का वायर लेकर अगर उसको स्पार्क करेंगे तो MCB ट्रिप तुरंत होनी चाहिए। अगर ऐसा होने पर भी MCB ट्रिप नहीं होती है आपको अपने MCB को तुरंत बदल देना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का MCB लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।